सिविलाइजेशन और किंगडम्स यानी राज्य के स्थापित होने से पहले लोग बोलने के लिए हाथों के इशारे और मौखिक ध्वनियों का इस्तेमाल करते थे। आज के वक्त में अलग भाषाओं का इस्तेमाल हम संवाद करने के लिए करते हैं, पर इन भाषाओं की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई और इन भाषाओं ने इंसानों का जीवन बदल दिया। भाषाएं महत्वपूर्ण वजह है जिस कारण मानव जाति का विकास हुआ। कौन सी भाषा सबसे पहले शुरू हुई वो आज भी एक डिबेट का टॉपिक है, लेकिन पुराने धर्म ग्रंथ और केव क्राविंग पुरानी भाषाओं को उजागर करते हैं। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका अस्तित्व इस दुनिया में काफी सालों से रहा है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो आज के वक्त में भी बोली जाती है। तो देखते हैं इस वीडियो से ऐसी कुछ भाषाएं और ये कितनी पुरानी है। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। ग्रीक, ग्रीस और काइप्रस की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जो सबसे पहले ग्रीस और एशिया में बोली गई थी। ग्रीक लैंग्वेज 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है और इसका इस्तेमाल लिखने में भी होता है। ग्रीक लैंग्वेज की राइटिंग हिस्ट्री 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न ग्रीक। ग्रीस और काइप्रस में रहने वाले कम से कम 15 मिलियन लोग आज भी ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं। इसके सिवा यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रीक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा है। ग्रीक लैंग्वेज का अस्तित्व 2900 सालों से रहा है। फारसी, ईरान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में फारसी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती है। ये 2500 साल पुरानी लैंग्वेज है जो पहले के वक्त में पर्शियन एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज की जब से शुरुआत हुई है तब से फारसी लैंग्वेज काफी कम बोली जाती है, यानी कि पहले लैंग्वेज के क्रिएशन के बाद काफी और लैंग्वेजेस भी आई। उसमें से कुछ लैंग्वेजेस रही और कुछ लैंग्वेजेस का वक्त के साथ अस्तित्व खत्म हो गया, इसीलिए फारसी लैंग्वेज बहुत कम जगह पे अब बोली जाती है। संस्कृत, इस लैंग्वेज के बारे में काफी लोगों ने सुना और पढ़ा ही होगा और कुछ लोगों को ये लैंग्वेज बोलने भी आती है। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत और ऐसा कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज के कारण फ्रेंच, हिंदी लैंग्वेज का निर्माण हुआ। ये लैंग्वेज हमारे इंडिया में 5000 साल पुरानी है और इसीलिए काफी सारे स्क्रिप्चर्स और वेदा संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा का पहला रिटन रिकॉर्ड ऋग्वेदा में मिलता है। तमिल, आज के वक्त में 78 मिलियन लोग तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका और सिंगापुर में ये ऑफिशियल बोली जाने वाली लैंग्वेज है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि काफी लैंग्वेजेस अब इस्तेमाल नहीं होती है, पर संस्कृत के बाद तमिल ही एक लैंग्वेज है जो आज के वक्त में बोली जाती है। ये लैंग्वेज भी संस्कृत जितनी ही 5000 साल पुरानी है और इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। बास्क्यू, इस लैंग्वेज का नाम काफी रेयरली किसी ने सुना होगा क्योंकि ये लैंग्वेज काफी कम लोग बोलते हैं। ज्यादातर सिर्फ स्पेन और फ्रांस में ये लैंग्वेज आज के वक्त में बोली जाती है। ये लैंग्वेज की खास बात है कि ये किसी भी लैंग्वेज से रिलेट नहीं करती है। लैंग्वेज स्पेशलिस्ट ने इस मिस्टीरियस लैंग्वेज की शुरुआत कैसे हुई उस पर काफी रिसर्च किया, पर कोई इन्फॉर्मेशन अब तक इस लैंग्वेज के बारे में नहीं मिला। तो ये थी कुछ लैंग्वेजेस जिनका इस्तेमाल काफी सालों से आज तक करते आ रहे हैं। शायद कोई भी लैंग्वेज नहीं होती आज के वक्त में तो अब भी हम इंसान शायद इशारों से ही बात करते, इसीलिए सारी लैंग्वेजेस हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।